मैं आपने आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने खुद के पैसे से यानी YouTube के इनकम से मैं अपने पापा के लिए ये एक बाइक मैं गिफ्ट कर पाया हूँ और इन सारे क्रेडिट जाता है आप लोगों को। तो दोस्तों ये मैं अकेला नहीं मानता हूँ कि मैं अपने पापा को ये गिफ्ट किया हूँ। 182,000 आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके बदौलत आज मैं अपने पापा को ये छोटा सा गिफ्ट दे पाया हूँ। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होने वाले हैं। अगर आप यूट्यूबर हो या किसी भी फील्ड में काम करते हो, अगर आपके पास सक्सेस नहीं मिल रहा है तो दोस्तों काम आप अपने मन से लगन से करते रहिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेस करोगे। तो दोस्तों मैं अपने लिए एक बाइक खरीदने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरा पापा का शौक़ था कि पापा भी एक छोटा सा बाइक ले और आस पास में घूमें। तो मुझे ये लगा कि मैं अपना शौक़ तो मैं कभी भी पूरा कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरी ज़िंदगी अभी बाकी है। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में जब पापा का ये शौक़ था, मैं अपने बाइक को कैंसिल करके मैं अपने पापा के लिए ये बाइक मैंने ख़रीदा। क्योंकि ये चीज़ होता है कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जो बचपन में थे, तो हमारे छोटी छोटी खुशियाँ के लिए, हमारे थोड़ी सी मुस्कान के लिए हमारे पापा, हमारे माँ बाप हमारे खुशियों के लिए सारे पैसा हमारे ऊपर लुटा देते थे ताकि हम लोग खुश हो सके और हम लोग अच्छे से पढ़ सके। मेरे पापा बाइक खरीद सकते थे लेकिन मेरे हम लोगों के लिए नहीं खरीदे, क्योंकि हम लोगों के खुशियों के लिए, हम लोगों के पढ़ाई के लिए सारे पैसा खर्च कर दिया, जिसके वजह से पापा एक बाइक नहीं खरीद सका। लेकिन मैं आज कुछ आप लोगों के वजह से या YouTube के इनकम से मैं आज अपने पापा को एक बाइक गिफ्ट कर पाया हूँ, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ आज। तो दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने माँ बाप को अगर खुश नहीं कर सकते, अगर आपके पास ज़िंदगी में बहुत से पैसे हैं, बहुत से सब कुछ है, दुनिया के सारे खुशियाँ हैं, लेकिन अगर आपके पास माँ बाप आपका खुश नहीं है, आप अपने माँ बाप को छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दे पाओगे, तो ये अपने बेटा कहने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग अपने माँ बाप से प्यार करें क्योंकि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ताकि हम लोग आगे कुछ बढ़ सके। दुनिया के हर सब सारे मतलब ही होते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने बेटा को नहीं छोड़ता, कि माँ बाप हमेशा चाहता है कि बेटा आगे बढ़े। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ, क्योंकि जब जीवन के अंतिम पड़ाव आप हमारे माँ बाप छोटे हो गए, यानी मेरा छोटा मतलब ये नहीं कि माँ बाप आप हम लोगों का सिर्फ भरोसा है, सिर्फ जितने भी आप हम लोगों के ऊपर ही वो डिपेंड रहता है, यानी माँ बाप को आप खुशियाँ देते रहे, छोटी छोटी गिफ्ट देते रहे, या माँ बाप को बिल्कुल मत डांटिए क्योंकि अंतिम टाइम में उसका सहारा कोई नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों के ऊपर सहारा है। तो दोस्तों ये वीडियो कोई भी किसी प्रकार का टेक्निकल वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशियाँ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर आप माँ बाप से प्यार करते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी से जुड़े और नए वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।